अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं ये बनाने लगे हैं आज शाम को, रात को हम पार्टी करेंगे बारबेक्यू। और ये मैंने इसका मंगवाया था, नेशनल का एक साशे मंगवाया है, चिकन टिक्का। ये है, ये हाफ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून चिली रेड चिली है, ये हल्दी है, ये नमक है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये चिकन है, लेमन मैंने इसको लगा लिया हुआ है, 3 लेमन लगाए हैं ये चिकन को। तकरीबन ये है 2 केजी चिकन है, 1.5 से 2 केजी चिकन है ये वाला। और ये मैंने चीज़ें सारी लगा ली हैं। अब इसके अंदर मैं दही लगाऊंगी इसको, तकरीबन कह लेंगे 2 2 चम्मच, ये वाले बड़े वाले 2 चम्मच भर के इसको दही के लगाएंगे। और तकरीबन 2 2 से 3 चम्मच मैं ऑयल का डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि बारबेक्यू करना है, ऑयल फिर साथ साथ हम लगाते रहेंगे। ये सिर्फ ऑयल इसके अंदर इसलिए डालना है कि ये चिकन जूसी रहे, ड्राई ना हो, और बाकी जो चिकन है वो इसके अंदर मैं डालती रहूँगी। ये मैंने 2 चम्मच लगानी है, वो थोड़े थोड़े दही में थोड़ा थोड़ा डाल रही थी इसलिए। और ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल के बोले थे, मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल का डाला है। और ये मैं मेल्टेड मक्खन है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है भर के मक्खन का, वो मैंने इसके अंदर मेल्ट करके उसको मैंने डाल दिया। इसके अंदर एक साशे वाला चिकन टिक्का नेशनल का डाला है, आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाला है, आधे से थोड़ा कम, छोटे वाला टीस्पून कह लें, और आधा चम्मच सूरख मिर्च डाली है, गरम मसाला आधा चम्मच डाला है, नमक डाला है, हाफ टी स्पून ही नमक ही मैंने डाला है, और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था वो इसके अंदर ऐड किया है, और लेमन चिकन को धो के तो उसको मैंने 3 लेमन लगा के तो उसको छोड़ दिया था, वो इसके अंदर मैंने लेमन डाला है। और अब तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर के मक्खन का मेल्ट करके वो मैंने डाल दिया। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अभी तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हुआ है, मैं तकरीबन इसको 5 पर 4:30 5 बजे तक मैं इसको मैरिनेट रखूंगी, उसके बाद बारबेक्यू करेंगे। तो अभी मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ दूंगी, तो बाकी आज अभी करेंगे हम कोयले वगैरह सारे रखेंगे, उसको तोड़ के सारा कुछ करेंगे। तो सीखें वगैरह मैंने धो के रख ली हुई हैं, सिर्फ ये वाला काम था ये मैंने कर लिया है। अभी हम कोयले वगैरह तोड़ के तो उसको रखेंगे अंगीठी में, अंगीठी सेट करेंगे, और उसके बाद फिर सीखा लगाएंगे। आज ये मेरा लास्ट ब्लॉग है इंशाल्लाह, तो आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहें, अपनी दुआ में याद रखें। लास्ट ब्लॉग इसलिए है कि ये इस साल का लास्ट ब्लॉग है इंशाल्लाह। कल से, परसों से, नेक्स्ट ईयर से फिर नए साल के नए ब्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। तो बस ये मैं छोड़ने लगी इसको, अभी हम करते हैं जाके अंगीठी तैयार करते हैं, मजीद बातें करते हैं। ले जनाब, ये हमारा रेडी हो गया कोयले, मैं अब इनको सब सबको एक साइड पे कर लेती हूँ, जो हो गया मेरा रेडी। बाकी भी हम सीखे लगाने लगे हैं, वो चिकन आ गया हुआ है, पानी शानी हर चीज सेट हो गई है, बस हम लगा शुरू करने लगे हैं काम। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ले जी, ये सीखे हम लोगों ने उतार रही है, बच्चे साथ साथ खा रहे हैं, ये कुछ लगाई हुई है और मैं लगाती जा रही हूँ साथ साथ, कितनी देर बच रहे हैं, 2-3 सीखें और लगेंगी तो रेडी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। कुछ अम्मी लोगों को नीचे भेजने लगे हैं, कुछ मजीद लगा रहे हैं, वो देखें चांद, और ये देखें चिकन बोटी गरम गरम, और ये रह गई है थोड़ी सी, बस हम लोगों ने साथ साथ ही बच्चों ने खा ली है, साथ साथ ही सारे खाते जा रहे हैं गरम गरम, एक्चुअली मज़ा भी इसका गरम गरम का ही आता है। तो मेरे चैनल पर जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज बस हम लोगों ने वैसे ही अचानक ही प्रोग्राम बनाया बारबेक्यू का, तो हम लोगों ने चले बारबेक्यू कर लेते हैं, सर्दी बहुत है ऊपर, ये सारा खुली जगह है सब, वो देखें जी चेक करें जरा, फिर बड़ा ही मज़ा आ रहा है, साथ साथ खाते जा रहे हैं, साथ साथ हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और बाकी मैं ये खा लूँ फिर आपसे बात करती हूँ।